तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसको जरा दिखाइए भैया, इसको दिखाओ, ये लेबल दिखाओ, लेबल ये है दोस्तों हिमालय का ली 52। और हम आज हमारा बर्ड जो है दोस्तों 15 दिन का हुआ है, तो 15वें दिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 14 दिन हुआ है, सॉरी दोस्तों 14 दिन हुआ है, और 14वें दिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने ली 52 चलाना शुरू कर दिया है। ये लीवर टॉनिक है दोस्तों। हाँ एक चीज़ और बताएंगे कि अगर आपका बर्ड छोटा है तो थोड़ी क्वांटिटी कम रखें, मतलब जितना देना होता है उतना ही दें। तो जैसे कि दोस्तों ये आप देखिए, ये हमारा है 50 ml का नाप, और हमने लिया है यहाँ पे एक डिब्बा। तो पहले एक काम करिए, इसका ढक्कन खोलिए और इसमें से 4 ढक्कन नापिए। अरे पहले ढक्कन तो निकालिए भैया। इसको इधर रख लीजिए, इसी में डालते जाइए। हाँ बस बस बस, ये हो गया एक। दो तीन और ये हो गया दोस्तों 4। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 2000 बर्ड के लिए पर्याप्त है दोस्तों, क्योंकि ये 200 ml हो गया है और 200 ml हम लगाएंगे। तो पहले इसको हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और फिर हम अपने ऑटो ड्रिंकर में लगाएंगे, इसके बाद मैनुअल में लगाएंगे। तो दोस्तों इसको लगाने का मेन पर्पज़ हमारा ये है कि हमारे बर्ड का जो डाइजेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फीड इंटेक बढ़ने के कारण गड़बड़ ना हो, और बर्ड में अगर बीट गड़बड़ होती है तो वो ना हो। और दोस्तों ये देखिए, अभी हम लोग डिब्बा पूरी तरीके सूखा है, जैसे ही दवा डाल दी जाएगी इसके बाद में पानी चालू किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी दें। 15वें दिन से एक छोड़ दिया इधर 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 15वें दिन के बाद से दोस्तों आप लीवर टॉनिक की हल्की मात्रा, मतलब जितना देना चाहिए उतना देना शुरू कर दें। और जब आपका बर्ड बड़ा हो जाता है दोस्तों तो आप थोड़ी डोज उसकी बढ़ा दें। अभी दोस्तों दिखाना चाहेंगे कि सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम पे देखिए कि सारे पर्दे, ये देखिए अंदर साइड का है ये, और अंदर साइड से ये देखिए पर्दा अभी भी बंद है, ये देखिए ये बाहर साइड का पर्दा है और ये जस्ट अंदर साइड का पर्दा है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा पर्दे का दोस्तों ठंडक में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और भूसी का भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, भूसी हमारी हर दिन चलाई जाती है, हर दिन रैकिंग की जाती है इसकी, क्योंकि होगा क्या कि ठंडक में बर्ड कहीं जा के बैठ जाएगा काफ़ी संख्या में, और वहीं पर भूसी बीट करेगा और भूसी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो उसको अगर आप नहीं चलाते हैं तो दूसरे दिन बर्ड में वही भूसी चिपक जाएगी और बहुत दिक्कतें होंगी, तो उससे आप भी बच के रहें। अब तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि अपने बर्ड को लीवर टॉनिक देना शुरू कर दें। जैसे ही आपके बर्ड का वज़न कभी भी रुकने ना पाए और अंदर कोई दिक्कत ना होने पाए। अभी देखिए दोस्तों पानी चालू कर दिया गया है और सभी बर्ड पानी पीना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लोग लगाएंगे इसके बीच में छोटा वाला हाथ वाला ड्रिंकर, क्योंकि उस ड्रिंकर को लगाने से होता क्या है दोस्तों कि आपका बर्ड, जैसे कि मान लीजिए इस रो में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए छोटा स्टैंड रखा हुआ है, अभी ये सारे स्टैंड के ऊपर बर्तन लगाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बर्ड पानी पीने के लिए कभी कभी आलस कर जाता है, दूर उठ के नहीं जाता है। तो उसके लिए अगर बर्ड को तुरंत सामने पानी मिल जाता है तो आराम से पी लेता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा फीडर अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फीडर जितना मानक है उतना होना चाहिए, और ड्रिंकर आपके पास जितना हो उतना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जितना ज़्यादा ड्रिंकर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक भाग दाना खा रहा है तो उसका 3 गुना, यानी 1 kg दाना खा रहा है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
तो उस तरह से जब आप ज़्यादा ड्रिंकर लगाएंगे, फीडर लगाएंगे, ड्रिंकर लगाएंगे तभी तो ज़्यादा पानी पिएगा दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।